नमस्कार, मैं डॉक्टर रिचा। आज का टॉपिक है कि वेट लॉस करने के सबसे इजी और फास्ट तरीके कौन कौन से हैं। मैं आपको कुछ ऐसे अच्छे हेल्दी तरीके बताऊंगी जिसके कारण आप इजीली अपना वेट लूज़ कर सकते हैं और उसे मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जितनी भी आप बाइट्स खाते हैं, जैसे अगर आप एक मील में 10 से 15 बाइट्स खाते हैं, तो अपनी वो बाइट को कम कर दें। उस बाइट को आप कम करेंगे तो 75 आपकी कैलोरी कम हो जाएगी, जो कि अगर आप वीक में पूरा उसका एस्टिमेट लगाएंगे तो 80 पाउंड्स तक आपका वेट जो है 3 साल में कम हो सकता है। तो एक बाइट कम खाएं, उसके बदले पानी पिएं। फिर है हमारा नेक्स्ट है, पानी बहुत पिए या पानी के पीने की क्षमता को अपने बढ़ाएं, उसको एक आदत बना लें। फिर है रोज़ एक्सरसाइजेस करें, एटलीस्ट दिन में एक बार तो ज़रूर करें, वर्कआउट करें। फिर है हमारा सबसे ज़्यादा अपनी डाइट में वेजिटेबल्स को ऐड करें, प्रोटीन ऐड करें और कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करें, मतलब कि सब्जी दाल वगैरह ज़्यादा खाएं, रोटी कम से कम खाएं। कार्बोहाइड्रेट वेट गेन करने में फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट, ऑयली फूड को बिल्कुल अपने डाइट से ख़त्म कर दें, जितने से जितना कम कर सकते हैं उसे करें। नेक्स्ट, अल्कोहल बिल्कुल कंजम्पशन बिल्कुल ख़त्म कर दें। अल्कोहल से, जैसे हम कहते हैं ना, बियर बेली स्टमक एरिया में वेट गेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फैट ज़्यादा बढ़ता है। फिर है अपनी मील्स, 3 मील्स ज़रूर लें और ज़्यादा ना खाएं, लिमिट में खाएं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ज़्यादा ऐड करें। टी कॉफ़ी का सेवन बहुत कम कर दें, सिटिंग हैबिट्स को रिड्यूस कर लें, वॉक ज़्यादा करें। एवरी मील एक खाने के बाद तो ज़रूर वॉक करें। वॉकिंग को अपने रेगुलरली अपने रूटीन में आप ऐड कर लें, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक। अगर मॉर्निंग नहीं तो इवनिंग वॉक ज़रूर करें, और वॉकिंग एटलीस्ट 45 मिनट्स की होनी चाहिए। अगर आप 30 मिनट्स तक करते हैं तो आपको वो वेट गेन करने में तो फ़ायदा नहीं करता है, पर आपका फ़ैट रिड्यूस नहीं करता। फ़ैट 45 मिनट्स के बाद रिड्यूस होना शुरू होता है, तो एटलीस्ट 45 मिनट तक की वॉक को डेली मैंडेटरी अपनी रूटीन में डाल लें अगर आपको वेट लॉस करना है जल्दी। पानी सबसे ज़्यादा पिएं, अपनी बॉडी में पानी की मात्रा को ज़्यादा रखें। खाने से पहले सूप को अपना एड ऑन्स बना लें एज एपेटाइज़र, उससे आधे से ज़्यादा आपकी भूख जो है वो सूप में ही ख़त्म हो जाएगी, आपके हंगर बैंड्स कंट्रोल हो जाएगी, क्रेविंग कंट्रोल हो जाएगी। बाहर का फूड बिल्कुल ना खाएं, जंक फूड बिल्कुल ख़त्म करें। योगा मेडिटेशन ज़रूर करें, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट रोज़ाना। अपने डाइट मेन्यू को चेक करते रहें और चेंज करते रहें, हेल्दी डाइट से रिप्लेस करते रहें धीरे धीरे। स्मोकिंग करना बिल्कुल छोड़ दें, और सबसे इम्पॉर्टेंटली जूसेस, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह लेने की जगह आप प्रोटीन शेक, प्रोटीन एनर्जीज लें। कैल्शियम मिनरल्स अपनी बॉडी में ज़्यादा इनटेक करें रैदर देन गोइंग फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से क्योंकि आपका वेट गेन ज़्यादा होता है। ऐसे ये कुछ टिप्स हैं जिसको आप रेगुलरली करेंगे तो आपको आसानी से वेट लॉस करने में फ़ायदा मंद होता है। हमेशा स्वस्थ रहें, धन्यवाद।